गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था चैप्टर नंबर 5, उसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है जिसमें हमारे को सब कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन मिलेंगे उनमें से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उस एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मिक्स रूप में मिलेंगे, उसमें हमारे को nth टर्म भी यूज करना पड़ेगा और सम ऑफ n टर्म्स भी यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस का भी जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है विविध। विविध का मतलब भांति भांति प्रकार के जो क्वेश्चन है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस उन जो हमारी एक्सरसाइज थी पिछली उनसे हट करके भी मिलेंगे, उनके सेम भी मिलेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इससे उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है। वन एपी हैज फर्स्ट टर्म इज 8 एंड अदर इज 3। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, दो एपी की वन है इसलिए इनको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि कौन सा है। तो मान लेते हैं ये ए वन है, ए है, और फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी इसको हम सिंबॉलिक नोटेशन ए डैश दे देते हैं, तो ये हमारे पास 3 है। कॉमन डिफरेंस इनका सेम है, दोनों का हम डी डी मान करके चलेंगे। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन दियर 30 टर्म, क्वेश्चन में फाइंड करना डिफरेंस बिटवीन दियर 30 टर्म्स, ये फाइंड करना है। इसका ए 30 माइनस और इसका ए 30, तो ए डेज 30 मान लेता हूं। ए 30 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 29 डी माइनस, ये हमारे फर्स्ट एपी का 30 वाला टर्म हो गया और इसका हो जाएगा ए डेज प्लस 29 डी, क्योंकि डी कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए दोनों का सिंबॉलिक नोटेशन अपन डी डी मानेंगे इनको, इसको डी और डी डेज नहीं करेंगे। ए और ए डेज करने का रीजन ये था कि हमारे पास फर्स्ट टर्म दोनों डिफरेंट है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ए प्लस 29 डी माइनस ए डेज माइनस 29 डी, 29 डी से 29 डी कैंसिल, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 8 माइनस ए डेज की वैल्यू 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो जो दोनों एपी थी उनका जो 30 वाला टर्म है उन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इफ 18 ए बी एंड माइनस 3 आर इन एपी, ये तो हमारे पास किसी एपी के चार टर्म दे रखे हैं बच्चों, चार टर्म 1, 2, 3 और 4, और हमारे को फाइंड करवा रहा है ए प्लस बी। तो इसके शॉर्ट ट्रिक भी है और हमारे पास लॉन्ग ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक में हम ए प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, जबकि लॉन्ग ट्रिक में ए और बी की अलग अलग सेपरेट वैल्यू फाइंड करके हम उनको ऐड करके फाइंड कर सकते हैं। मैं दोनों ही बताऊंगा क्योंकि अगर यही क्वेश्चन में अगर इस प्रकार से फाइंड करवा लेता कि देन फाइंड ए एंड बी, तब आपको ए और बी की सेपरेट वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो फर्स्ट कंडीशन में ये ध्यान रखिए, बिकॉज इफ 4 नंबर्स आर इन एपी, 4 नंबर्स आर इन एपी, अगर चार संख्याएं किसी एपी में हैं, तो इनमें सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म। यानी कि मान लीजिए कि चार संख्याएं ये एपी में हैं, लेट 4 नंबर्स ए बी सी डी, देन इन दोनों का सम इन दोनों के इक्वल होता है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये फॉर्मूला आप लर्न रखें,
इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अगर चार नंबर एपी में गिवन है तो उनमें वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हमारे पास चार वैल्यूज, ये 1, 2, 3 और 4 दे रखी है। तो सम ऑफ मिडिल टर्म्स, तो ए प्लस बी, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस 3, इन दोनों के सम का इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 3, तो ये 15 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं कि ये तभी लागू होगा जब हमारे पास चार नंबर ही हो, पांच नंबर दिए हुए हो एपी में, तब आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसी पर अगर मैं बताना चाहूं तो लॉन्ग ट्रिक देखिए किस प्रकार से, अगर ए और बी की वैल्यू अलग अलग फाइंड करनी हो, ये क्वेश्चन चेंज होकर किस प्रकार से है कि ए की वैल्यू फाइंड कीजिए और बी की वैल्यू फाइंड कीजिए, तब उस कंडीशन में कैसे करते हैं देखिए। हमारे पास ये एपी क्यों ना बच्चों, इस एपी में फर्स्ट टर्म हमारा 18 है, सेकंड टर्म ए है, थर्ड टर्म बी है और फोर्थ टर्म माइनस थ्री है। तो इसमें गिवन क्या क्या है, आपको गिवन क्या है वो देख लीजिए, आपको ज्ञात क्या क्या चीज है नॉन जो टर्म्स है उसके बारे में। हमारे को फर्स्ट टर्म पता है तो ए इज इक्वल टू 18, इसके अलावा हमारे को फोर्थ टर्म पता है ए फोर, तो ए फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब ए फोर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब ए की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तब हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से पुटिंग ए इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन सेकंड, इसमें पुट कर दीजिए ए प्लस, सॉरी ए की जगह हम 18 रिप्लेस करेंगे, 18 प्लस ए 3 डी इज इक्वल टू माइनस थ्री। 18 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो यह जाएगा 3D इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस 18, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस 21 अपॉन 3। डी इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास आ गई माइनस 7। अब हम सेकंड टर्म फाइंड करेंगे क्योंकि अननोन वैल्यू सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की जगह ही है, तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू हमारे पास 18 प्लस माइनस 7, तो 18 माइनस 7 तो 11 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जो हमारे पास सेकंड टर्म ए था, ए की वैल्यू 11 आई है, एपी वाला ए न कि फर्स्ट टर्म ए। इसी प्रकार से थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें ए की वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस 7, 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में हमारे को ए प्लस बी फाइंड करवा रहा, तो हम उसको ऐड कर देंगे, ए प्लस बी फाइंड करवा ले, ए माइनस बी फाइंड करवा ले, ए इंटू बी फाइंड करवा ले, ए पॉन बी फाइंड करवा ले, तो वो यहाँ पर घुमा सकता है। इस मेथड से हमारे पास ए और बी की सेपरेट वैल्यूज फाइंड हो चुकी है। अब हम चाहे तो ए प्लस भी फाइंड कर सकते हैं, ए माइनस भी फाइंड कर सकते हैं, ए इंटू भी फाइंड कर सकते हैं, ए अपॉन भी फाइंड कर सकते हैं। तो सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 15 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है, चार टर्म जब एपी में दे रखे हों उनमें से कोई भी टर्म अननोन हो, कोई भी नोन हो, तो उस कंडीशन में जो हमारे को नॉन टर्म्स होते हैं उनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस बनाते हैं और अननोन टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, जिससे हमारे पास वो उनकी वैल्यूज निकल करके सामने आती है और फिर उनकी हेल्प से हम उनका सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड जो भी पूछ रहा होता है क्वेश्चन वो फाइंड कर सकते हैं इजीली। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट देखते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही मैं एक अनदर क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन नंबर्स गिवन एपी है, एपी में गिवन है केवल तीन नंबर। तो उस कंडीशन में जब तीन नंबर एपी में गिवन हो, तो उस कंडीशन में अभी जो पिछला फॉर्मूला की शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो इसमें अप्लाई नहीं होगी, लॉन्ग ट्रिक वाली अप्लाई हो सकती है। इसमें देखिए हमारे पास इस एपी में हमारे पास जो है थ्री टर्म्स है, इनमें अगर शॉर्ट ट्रिक अपनाए तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि इफ थ्री नंबर्स को मैं एबीसी मान रहा हूं, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी देन ए इज इक्वल, सॉरी बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन
टू, ये होता है बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखें कि जो मिडिल टर्म होता है सेकेंड टर्म, तीन में ये मिडिल टर्म हो गया, तो जो सेकेंड टर्म होता है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम का हाफ होता है, उन दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड करने पर हमारे को ये थर्ड सेकेंड टर्म प्राप्त हो जाता है। तो ये वाली शॉर्ट ट्रिक हम इसमें अप्लाई कर देंगे, इसको ए मान लिए, इसको बी और इसको सी। सो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 12 प्लस 6 अपॉन 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 अपॉन 2, और ये 9 आंसर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगा। इस प्रकार से अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपके माइंड में नहीं आती है तो आप इसको लॉन्ग ट्रिक से भी कर सकते हो। किस प्रकार से देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए इक्वल टू 12, और ये थर्ड टर्म है ए थ्री, ए थ्री इज इक्वल टू 6। अब ए थ्री का फॉर्मूला होता है ए प्लस 2d इज इक्वल टू 6। अब ए की वैल्यू इसमें रिप्लेस कीजिए, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 6, तो 2d इज इक्वल टू 6 माइनस 12, 2d इज इक्वल टू -6, तो d इज इक्वल टू -6 अपॉन 2। तो हमारे पास बच्चों d की वैल्यू आ गई 3, ये d की वैल्यू आ गई 3। अब d की वैल्यू और a की वैल्यू आ चुकी, अब ये हमारे को सेकंड टर्म फाइंड करना है, क्योंकि x सेकंड टर्म की जगह ही लिखा हुआ, तो a2, a2 फाइंड करना है, तो a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस d, a की वैल्यू हमारे पास 12 है प्लस, और d की वैल्यू -3, तो 12 माइनस 3 हमारे पास आ गया आंसर 9। तो ये x की वैल्यू 9 आ गई, क्योंकि a2 की हमारे पास x लिख रखा है, तो a2 की जगह हम x यूज कर सकते हैं, तो ये 9 वैल्यू आ गई। इस प्रकार से ये क्वेश्चन लॉन्ग ट्रिक से भी हो सकता है, और वो शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताई है वो भी यूज की जा सकती है, लेकिन कंडीशन कब, जब 3 नंबर्स ही गिवन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि उनको हम पिछली एक्सरसाइज में सोल्व कर सकते चुके हैं। अब हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन आता है उसमें देखिए क्या गिवन है, इफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी 3n² + 5n, हमारे को सम ऑफ एन टर्म गिवन है, याद कीजिए सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, एक होता है nth टर्म, तो सम ऑफ एन टर्म का सिंबॉलिक नोटेशन क्या होता है sn, यानी हमारे को sn इज इक्वल टू गिवन है 3n² + 5n, ये गिवन है। इसके आगे हमारे पास कह रहा है देन विच टर्म ऑफ सीरीज इज 164, विच टर्म, विच टर्म, तो समझ जाइए कि विच टर्म आते ही क्या फाइंड करना हमारे को, एन फाइंड करना है, और जब एन फाइंड करना है तो इस कंडीशन में ये क्या चीज है, ये हमारे पास ए एन है, लास्ट टर्म है, तो एन फाइंड करना है बच्चों। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं, तो सबसे पहले जो एस एन गिवन है, एस एन, इसमें एन की वैल्यू पुट करके हम एस वन फाइंड करेंगे, तो एस वन हमारे पास आ जाएगा 3 1² + 5 1 इज इक्वल टू, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 × 1 + 5 1 = 5, 3 + 5, ये हमारे पास एस वन आ गया 8, तो हमारे पास ए वन भी कितना हो जाएगा 8, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ए वन और एस वन दोनों इक्वल होते हैं, तो एस वन और ए वन इक्वल हो गए। अब हम एन की वैल्यू 2 रखेंगे, तो एस 2 फाइंड होगा हमारे पास, इसमें एन की वैल्यू 2 रखी है, तो 3 एन की वैल्यू 2 का स्क्वायर + 5 2, 3 × 4 + 10, ये 5 × 10 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 × 12 + 10, तो हमारे पास ये 22, ये एस 2 आ गया। अब ध्यान दीजिए एस 2 ए 2 नहीं होता है, एस 2 अलग चीज होती है, सम ऑफ टू टर्म है ये, और ए 2 सेकंड टर्म होता है, तो ए 2 फाइंड करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, एस 2 में से एस 1 घटाना पड़ेगा, एस 2 की वैल्यू 22 है और एस 1 की वैल्यू 8 थी हमारे पास, उस कंडीशन में हमारे पास ए 1 की वैल्यू, ए 2 की वैल्यू आ जाएगी 14। अब ए 1 और ए 2 की हेल्प की हेल्प से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, तो d इज इक्वल टू ए 2 माइनस ए 1, तो ए 2 14 माइनस ए 1 8, तो हमारे पास ये 6 आ गया, ये d भी आ गया। अब a और d आने के बाद में हम इजीली n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम an का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए बच्चों, an का फॉर्मूला अप्लाई करने से हमारे पास n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी,
एन दे रखा है 164, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 164, ए की वैल्यू, ए मतलब फर्स्ट टर्म 8 है, प्लस एन फाइंड करना है माइनस वन, और डी की वैल्यू हमारे पास आई 6। 8 का उधर ट्रांसफर कर दीजिए बच्चों, तो एन माइनस वन 6 इज इक्वल टू 164 माइनस 8, 164 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 156, और इधर n माइनस वन, अब 6 का भी उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 6 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, n माइनस वन इज इक्वल टू इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 टू 12 3 रिमाइंडर 36, 6 26, इस वन को इधर भेजेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा, सो n इज इक्वल टू 27। तो हम कह सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा था विच टर्म ऑफ एपी इज 164, सो 27th टर्म इज 164 ऑफ द एपी, उस एपी का 27th टर्म 164 होगा, यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। Sn इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, जो Sn है इस क्वेश्चन में देखिए, ये जो हमारा Sn है ये सम ऑफ n टर्म्स है, ऐसा हम भी जानते हैं और क्वेश्चन भी कह रहा है, और उसके बाद में आगे दे रखा है कि S2n इज इक्वल टू 3 इंटू Sn, ये हमारे को कंडीशन दे रखी है और इस कंडीशन का आंसर मांग रहा है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो बच्चों आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, Sn का फॉर्मूला आपके माइंड में रखिए, और ये अगर यहाँ पर S2n आ गया तो n की जगह आपको 2n रखना है, जहां Sn के फॉर्मूला, आपका Sn का जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला आप माइंड में रखिए, इसमें जहां पर आपके पास n आ रहा है वहां पर हम 2n रख देंगे, तो n हमारे पास एक जगह यहाँ आ रहा है और सेकंड ये आ रहा है, तो इन दोनों की जगह 2n रखना है, बाकी सेम एज इट इज। तो ऐसे घबराना नहीं है कि S2n का फॉर्मूला क्या होगा, S2n का फॉर्मूला n की जगह 2n रखने पर हमारे पास इजीली प्राप्त हो जाएगा, तो रखिए, तो ये आ जाएगा 2n अपॉन 2a प्लस n माइनस, सॉरी 2n माइनस 1 और d, इस प्रकार से यहां पर ये 3 और फिर ये Sn है, Sn का फॉर्मूला ये लगा दीजिए, ये S3n नहीं है, ये 3Sn है, तो 3 अलग है और ये अलग है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 और d। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास n आ गया, और ये आ गया 2a प्लस d के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2nd माइनस d आ जाएगा, इस प्रकार से आगे इधर हमारे पास बच्चों इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको 2 को एज इट इज रख लीजिए, और इधर हमारे पास 3 रहेगा तो 2a प्लस n d माइनस d, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4a प्लस 4nd माइनस 2d, इसी प्रकार से 36a प्लस 3nd माइनस 3d। अब ट्रांसफर कर लीजिए, हम इसको उधर ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4nd माइनस 2d, इन दोनों को इधर ले आइए क्योंकि इसके लायक टर्म ये रहा और इसके लायक टर्म ये रहा, और 4a को हम उधर सेंड कर देते हैं, उस कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा 3nd प्लस 3d इज इक्वल टू 6a माइनस 4a, अब 4nd माइनस 3nd nd, और 2d इन दोनों को सॉल्व करने पर केवल क्या रहेगा हमारे पास d इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2a, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, आगे हो सकता है हमारे पास इसका यूज हो जाए। अब हमारे को तो ये पूछ रहा है S3n रेशियो Sn, तो हम ये फाइंड करने जा रहे हैं S3n अपॉन Sn, रेशियो को मैं अपॉन में लेकर के लिख सकते हैं, तो देखिए
ये पोन। अब H3N का फॉर्मूला, जिस प्रकार से आपने H2N का फॉर्मूला अप्लाई किया था यहाँ पर, ये H2N का, सिमिलरली वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ H3N हियर, राइट? 3N इन द प्लेस ऑफ N, देन वी गेट 3N अपॉन 2, बिग ब्रैकेट 2A प्लस 3N माइनस 1 और D, ये हमारे पास H3N का फॉर्मूला हो गया। और SN का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, एन अपॉन टू से एन अपॉन टू कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास क्या शेष रहा 3, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो 2A प्लस 3ND माइनस D अपॉन, नीचे हमारे पास 2A प्लस 3ND माइनस D। लेकिन हमने ऊपर एक मिस्टेक कर दी, सॉरी बच्चों, ये हमारे पास जो SN का फॉर्मूला था, हमने यहाँ पर ये 3N रॉन्ग लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर एन ही है कंडीशन में, यहाँ पर एन आएगा और एन आने में यहाँ पर एन आएगा। अब देखिए आगे 3, अब 2A की वैल्यू बेटर, 2A की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से प्राप्त कर सकते हैं, ये 2A की वैल्यू एन डी प्लस डी, इस 2A को रिप्लेस कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा एन डी प्लस डी, इस 2A की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी प्लस 3ND माइनस D। सिमिलरली हम इस 2A को भी उसी से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ND प्लस D प्लस ND माइनस D। अब सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पर हमारे पास D से D कैंसिल, ऊपर भी D से D कैंसिल, अब हमारे पास बच गया 3 मल्टीप्लाई ND प्लस 3ND, 4ND हो जाएगा हमारे पास, और ND और ND 2ND हो जाएगा उस कंडीशन में, ये कट गया 2 टाइम, तो ये आ गया आंसर 6:1। तो ये हमारा इसका आंसर जो है, सो S3N रेशियो SN इज इक्वल टू 6:1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हम S3N रेशियो SN की वैल्यू तुरंत फाइंड कर सकते हैं। तो मेथड देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 10 हमारा, वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, जो शुरुआती 1000 पॉजिटिव इंटीजर है उनका सम फाइंड करना है। तो सपोज कीजिए कि फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, 1, 2, 3। जब भी बात करते हैं हम इंटीजर्स की, तो हमारे पास नंबर्स आते हैं 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से, और -1, -2, -3 इस प्रकार से, इनको बोला जाता है दोस्तों इंटीजर। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, ये वाले पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि जीरो को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि जीरो न तो पॉजिटिव होता है न निगेटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहे तो नेचुरल नंबर्स को ही हम पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में जानते हैं। तो शुरुआती जो हजार है उनका सम फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, तो 1, 2, 3 और ये 1000 तक, अप टू 1000, तो इसको फाइंड करना है। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास 1 हो गया, डी इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 1 हो जाएगा, और ये एन की वैल्यू 1000 हो गई। अब इसको आप एन की वैल्यू भी समझ सकते हैं और ए एन की वैल्यू भी समझ सकते हैं। अब आप एस एन फाइंड कर लीजिए, क्योंकि हमारे को सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म्स पूछ रहा है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू 2A प्लस एन माइनस 1 और डी, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम वैल्यू पुट कर देंगे और इसका सम फाइंड कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गई लैंग्वेज उसकी, बाकी हमारा क्वेश्चन जो 5.2 में हमने क्वेश्चन पढ़े थे उसी टाइप के हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, ये हमारा 12th क्वेश्चन है, तो इसमें एपी हमारे पास लिखेंगे ये, इसमें ए की वैल्यू है 20, अब डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए 19¼ - 20, तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर माइनस का 3.4, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा।
अब इसमें हमारे को पहले ही फाइंड करना पड़ेगा कि जीरो इसका कौन सा टर्म है, विच टर्म विल बी जीरो, क्योंकि जीरो के अगला वाला जो टर्म होगा वो निगेटिव होगा। तो ये फाइंड करते हैं कि जीरो कौन सा टर्म है इसमें, तो ए एन इज इक्वल टू जीरो मान लेते हैं। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू 20 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू माइनस थ्री फोर फोर इज इक्वल टू जीरो। 20 को जब ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन माइनस वन माइनस थ्री पॉइंट फोर इज इक्वल टू माइनस 20। एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 20 मल्टीप्लाई माइनस थ्री पॉइंट फोर को उधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस फोर अपॉन थ्री। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 80 अपॉन थ्री और ये वन उधर जाकर के एड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एड करेंगे इज इक्वल टू 80 को डिवाइड कर लेंगे थ्री से तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.666 प्लस वन 27.66, यानी कि इस एपी का 20.66 टर्म जीरो होगा। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी एपी में जो है नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल में नहीं हो सकते, तो इसका हम ये बता सकते हैं कि इस एपी में जीरो आएगा ही नहीं। तो ये वाला जो टर्म है इसका अगला यानी कि ये 27 वाला टर्म पॉजिटिव होगा और इसका अगला वाला जो टर्म है वो नेगेटिव होगा। तो 28th टर्म तो हम कह सकते हैं सो 28th टर्म ऑफ एपी विल बी नेगेटिव, नेगेटिव होगा, यही हमारा आंसर है। 28th टर्म नेगेटिव होगा तो उस नेगेटिव टर्म से आप घबराए नहीं, आपको ये पता करना है कि जीरो कौन सा टर्म है, विच टर्म इज जीरो, उसका जो जस्ट सक्सेडिंग टर्म होगा वो ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर मान लो यहां पर एन की वैल्यू 21 आ जाती 21 तो हम कह सकते थे 22nd टर्म 22 वाला जो टर्म है वो नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें हमारे को दे रखा है कि सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2 ये गिवन है। तो इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन बताया था और एग्जांपल भी बताया था कैसे करते हैं, एन की वैल्यू 1 रखिए और एस वन फाइंड कीजिए, एस वन फाइंड हो जाएगा तो वो एस वन ही ए वन की वैल्यू हो जाएगी। एन की वैल्यू 2 पुट करते हुए हम एस टू फाइंड कर सकते हैं, एस टू फाइंड कर लीजिए और जो फिर एस टू की हेल्प से हम ए टू फाइंड कर लेंगे, ए टू का फॉर्मूला एस टू माइनस एस वन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए वन और ए टू की वैल्यू फाइंड करनी है पहले आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वन एंड ए टू। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वन, द वैल्यू ऑफ एस वन विल बी द वैल्यू ऑफ ए वन एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस टू, पुटिंग एन इज इक्वल टू 2 वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस टू, देन विद द हेल्प ऑफ एस टू एंड एस वन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू, एस टू माइनस एस वन, बाय दिस स्टेप वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू। नाउ विद द हेल्प ऑफ ए टू एंड ए वन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस डी, ए टू माइनस ए वन कॉमन, वी कैन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड आफ्टर फाइंडिंग द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ दिस टू वी कैन फाइंड द 25th टर्म इन ए 25। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 25th टर्म, ए प्लस 24 डी, यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड डी फ्रॉम हियर एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 25th टर्म। तो स्टूडेंट्स वी हैव कम ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 15th क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आल्सो ए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, पे फुल अटेंशन। द क्वेश्चन इज दैट हाउसेज इन ए रो आर नंबर्ड सीरियली फ्रॉम 1 to 49, यानी कि एक रो में हाउस है वो हाउस का नंबरिंग दे रखा है
वन से 49 तक, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आगे 48, 49 तक, ये हमारे पास 49 हाउसेस है, इनके ये हाउस नंबर दे रखे हैं। सो दैट द वन वैल्यू ऑफ एक्स इन सच दैट, इनमें से एक वैल्यू एक्स हमें नहीं पता, ये किसी हाउस नंबर का है, एक्स है। अब हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन का आपको फॉलो करना है, मेन इंपॉर्टेंट वो कंडीशन है। कंडीशन को पढ़िए क्या कह रहा है, सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द मार्क्ड हाउस, ये हमारे पास मार्क्ड हाउस है बच्चों, ये हमारा मार्क्ड हाउस है जिसको हमने मार्क किया था एक्स नंबर दे करके। इस हाउस से जो प्रीसीडिंग हाउसेज है, बताओ इससे पहले के हाउस कितने रह गए, एक कम कर दो इसमें से, एक्स माइनस वन। मान लो जैसे ये 30वें नंबर का हाउस है, तो उस कंडीशन में इससे पहले कितने हाउस रह गए, 30-1 यानी 29 हाउसेज रह गए। तो ये एक्स नंबर का हाउस है, तो इससे पहले एक्स माइनस वन हाउसेज रह गए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ एक्स माइनस वन हाउसेज हाउसेज इनका सम, इनका सम किसका इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज सक्सेडिंग द मार्क्ड हाउस, इसके बाद के जो घर है, इसके बाद के, इनके सम के इक्वल है। अब इनका सम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, इनका सम फाइंड करने के लिए पूरे पूरे के सम में से इनका सम घटाना पड़ेगा, सम ऑफ 49 हाउसेज माइनस सम ऑफ एक्स हाउसेज। मेनी स्टूडेंट्स आर थिंकिंग दैट, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यहां से क्यों नहीं फाइंड कर लेते, ये घटाने का प्रोसेस क्यों नहीं हुआ है। तो हमारे को यहाँ पर फर्स्ट टर्म पता नहीं है कि एक्स का नंबर नहीं पता, आगे वाला टर्म कौन सा होगा, ठीक है। हाँ एक्स प्लस वन मान सकते हैं, तो एक्स प्लस वन इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो वैसे हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक्स प्लस वन है तो फिर नंबर ऑफ एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसमें दिक्कत आती है। तो हम क्या करेंगे, 49 हाउसेज के सम में से यहां तक का सम निकाल देंगे, तो इनका सम बच जाएगा। अब इनका सिंबॉलिक नोटेशन दीजिए, सम ऑफ एक्स माइनस वन हाउसेज, हाउसेज को आप टर्म्स समझ लीजिए, ठीक है। अब सम ऑफ एन टर्म्स का सिंबल क्या होता है, एस एन होता है, वैसे ही इसका हो जाएगा एस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सम ऑफ 49 हाउसेज, एस 49 माइनस सम ऑफ एक्स हाउसेज, एस एक्स, एक्स है ये होता, अब के बाद एन नहीं है, एक्स है। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, एन एक्स माइनस वन, यहां पर एन की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन टू टू ए। अब यहां पर देखिए प्लस एन की जगह एक्स माइनस वन और डी, फोर्टी नाइन अपॉन टू टू ए प्लस 49 माइनस वन और डी, ए और डी की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी है इसमें 1 और डी की वैल्यू भी कितनी है 2-1 इज इक्वल टू 1, ये ए और डी की वैल्यू भी हम पुट करते हैं साथ में, तो हमारी क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ये 1 और ये 1 डी, इसी प्रकार से ये 1 और ये भी 1। नेक्स्ट हमारे पास सम ऑफ एक्स हाउसेज, तो एक्स अपॉन टू, टू इंटू वन प्लस एक्स माइनस वन और वन। अब हम इसमें सोल्व करेंगे, एक्स माइनस वन अपॉन टू, ये टू प्लस इस वन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, इधर से हमारे पास वन अपॉन टू कॉमन आ गया, यहां पर हमारे पास बच जाएगा 49, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/2 कॉमन आ गया, ये 2 और ये 2, ये 1/2, तो यहां से 1 इस वाले टर्म में से 1/2 कॉमन आने के बाद में क्या लेफ्ट रहता है, 49
बचा यहाँ पर, और अंदर बचेगा 2 + 49 में से बन गया तो 48, 48 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ही रहेगा। इस प्रकार से माइनस एक्स 1/2 यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 2 + x - 1 इस प्रकार से। अब ये 1/2 इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये बच गया x - 1, और यहाँ पर हो जाएगा x + 1। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x + 1 बचेगा। ऐसे हमारे पास ये हो जाएगा 49 × 50, ये 50 हो गया, माइनस यहाँ पर x, और ये बच जाएगा x + 1। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है। x² हम यहाँ पर एक मिस्टेक कर चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू x - 1 थी, x - 1, और फिर फॉर्मूले में -1 हो रहा था तो यहाँ पर -1 हो रहेगा। उस कंडीशन में यहाँ पर -2 हो जाएगा, और -2 होने पर ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास केवल x ही बचेगा। अब हम आगे चलते हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा, x² - x = ये हमारे पास 2450 -x² - x, -x कैंसिल हो गया, इसको इधर भेजेंगे तो 2x² = 2450, तो x² = 2450/2, तो x = 225/√, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 35। तो हम कह सकते हैं सो द मार्क्ड हाउस इज 35th हाउस, जो हमारे पास मार्क हाउस था 35वें नंबर का हाउस था। इस प्रकार से इसकी वैल्यू फाइंड की जाती है। थैंक यू, आपको ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करनी है, यहाँ पर 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप मुझे भेजिए, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। थैंक यू, बाय।